दे रहे हो यार, महंगा दे रहे हो यार। नहीं करो ना यार, किलो है, पक्का किलो है। कौन सा वाला की चेरी है? ये फ्रांस। आप किधर के हो? मैं इधर से हूं। इधर किधर के? क्या नाम है? आजाद। पढ़ते वढ़ते नहीं हो? किस क्लास में पढ़ते हो? वेल्डन। यार क्या नाम है? आजाद। गुड गुड बेटा, गुड वेल्डन, कीप इट अप। उतर भाई, क्या खैरियत थी? ये रेड रोज है, ये घुटनों के दर्द के लिए आराम करते हैं, ग्रीन टी बनाना होता है। ये रोज ट्री है, ये शुगर और कोलेस्ट्रॉल के लिए है, और ये चेरी है ड्राई के लिए, आयरन के लिए है। इसमें ग्रीन टी है, इसमें तीन चीजें मिक्स है, पुदीना है, जाफरान है और तमर है। ये शुगर कोलेस्ट्रॉल और बीपी के लिए है। ये रात को खाने के बाद इसका ग्रीन टी बनाना होता है। ये खालिस है, ये खालिस तमर है, ये हाजमे के लिए भी अच्छा है, इसका भी ग्रीन टी बनाना होता है। और ये अजवाइन है, अजवाइन हाजमे के लिए एक नंबर दवा है। ये काला नमक है, ये इसमें जिसके बीपी ज्यादा है, शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, इसके लिए काला नमक इस्तेमाल करना चाहिए, सालन चाय से। ये पानी का बूंद है, ये हाजमे के लिए और जोड़ों के लिए। ये कलौंजी है, ये कलौंजी कोलेस्ट्रॉल के लिए है, हाजमे के लिए भी करवा। ये लोकल है इधर का? नहीं लोकल है, ये लोकल हम करते हैं, अपने खेत में ही करते हैं। अच्छा। खेत में ही करते हैं। ये अजवाइन भी करते हैं, ये भी करते हैं हम, ये तो हमारे बाप में ही वो चाहिए।
वही ना, ये बताओ कह रहा हूँ हैंडीक्राफ्ट में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमने यहाँ पे इवेंट रखा है जिसको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लीड कर रही है और एक ERSP एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट सरीना स्कार्फ और भी बहुत सारे यहाँ पे स्टेक होल्डर्स हैं जिन्होंने यहाँ पे दो रोज़ा जो है चेरी फेस्टिवल और गिनानी फेस्टिवल यहाँ पे अरेंज किया। मकसद इसका ये है कि चूँकि आपको पता है हमारा एरिया जो है शॉर्ट सीज़न होती है, टूरिस्ट बहुत कम आते हैं, तो हमने कोशिश की है कि जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज चाहे वो चेरी की शक्ल में है चाहे फेस्टिवल की जो हमारी एक्टिविटीज़ है उस शक्ल में हम लोगों को दिखाएं, अट्रैक्ट करें और हुंजा की तरफ उनका रुख करते और उनके लिए एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें, उनको अच्छा एक्सपीरियंस हो और एक जगह पर वो मुख्तलिफ चेरी है हमारी कल्चर को जो है इंजॉय करें। इसका ओवरऑल मकसद ये है इस इवेंट को रखने का। और कुछ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम अफशाह है, मैं सरीना होटल्स पे मैनेजर मार्केटिंग कम्युनिकेशन काम करती हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज यहाँ पे अलतीत में गिननी फेस्टिवल और चेरी फेस्टिवल का इनेकाद दो दिन का था, आज लास्ट डे है। बहुत सारे टूरिस्ट डिफरेंट जगहों से, पाकिस्तान से, नेशनल इंटरनेशनल लोकल सब आए हुए हैं यहाँ पे। ख्वातीन ने, फार्मर्स ने स्टॉल्स लगाए हैं। इस इवेंट का मेन मकसद भी यही है कि यहाँ पे सियाहत और सकाफत दोनों को फ़रोग मिले इस एरिए की। और सरीना होटल ने अपने कल्चर डिप्लोमेसी इनिशिएटिव के तहत हमारे को पार्टनर्स लोकल डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हुंजा और ERSP इसी तरह से बहुत सारे दूसरे पार्टनर से मिल के ये इवेंट का इनेकाद कर लिया है। साथ में सरीना अलतीत फोर्ट रेजिडेंस भी है, अलतीत फोर्ट भी है। अलतीत फोर्ट को देखने के लिए लोग आते हैं और उसके बाद जो है ना इस एरिया में जो खूबसूरत इन्वायरमेंट में अलतीत फोर्ट रेजिडेंस में जो स्टॉल्स लगाया है उससे भी देख के फ़ायदा मंद भी हो रहे हैं, क्योंकि जो दूर से टूरिस्ट आते हैं वो अपने लिए तोहफे तहाइफ यहाँ के लोकल प्रोडक्ट खुसूसन बड़ा अप्रिशिएट करते हैं और लेके जाते हैं। और इस इवेंट का मेन मकसद भी ये है कि यहाँ के फार्मर्स को इंकरेजमेंट मिले, यहाँ के जो है जो ख़वातीन ने लोकल प्रोडक्ट बना के यहाँ पे डिस्प्ले किया है उनको इकोनॉमिकली तौर पे इम्पावर करने के लिए एक प्लेटफॉर्म मुहैया की जाए। आप देख रहे हैं कि बच्चों से लेके बड़े सब जो है ना इस इन्वायरमेंट में खुश हैं और इंजॉय कर रहे हैं। थैंक यू। इवेंट हमने ऑर्गेनाइज कराया है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हुंजा ने विद सपोर्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हुंजा, ERSP सरीना और स्काफ के साथ मिलके। मकसद इस इवेंट को कराने का ये है कि एक तो एक प्लेटफॉर्म मिले फार्मर्स को, एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को कि वो आएँ अपना प्रोडक्ट दिखा सकें, उसको सेल कर सकें। ज़्यादा बड़ा जो इसका मकसद है वो ये है कि एक इनका एक लिंकेजेस डेवलप हों इनका एक उसके साथ कस्टमर के साथ फिर मार्केट के साथ। सो वो उस हवाले से काफ़ी आज हमारे कल के दिन के भी और आज के भी हमारे पास काफ़ी अच्छी उसके अंदर प्रोग्रेस हुई है। काफ़ी लोग हमारे पास आए डाउन कंट्री से, टूरिस्ट भी थे, इंटरनेशनल टूरिस्ट भी बहुत सारे आए जिन्होंने खरीदारी भी की यहाँ से, और उसके साथ साथ जो फार्मर्स हैं और एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उनके साथ एक अच्छा उनकी कनेक्शन बिल्डअप हो गया, तो वो एक अच्छी चीज़ हुई है। फिर हमारे पास कुछ बैंक्स भी आए जो काम कर रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान के अंदर क्रेडिट के ऊपर और फार्मर्स को लेंडिंग करने के ऊपर, सो वो भी उस तरह से भी एक अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिल गया उनको टू इंटरेक्ट विद द फार्मर्स डायरेक्टली। उन्होंने फार्मर्स के साथ और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के साथ इंटरेक्ट किया, उनके मसाइल के बारे में जाना, उनको क्रेडिट में किस तरह के मसाइल का फेस करना पड़ता है, उनको उनका प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हम कैसे कर सकते हैं, उसकी मार्केटिंग कैसे की जा सकती है, वैल्यू एडिशन कैसे हो सकती है। सो वो एक उस सारे हवाले से एक फार्मर्स के लिए और एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने लोग हैं उनके लिए ये इवेंट ऑर्गेनाइज कराने का मकसद था और आई थिंक उस तरह से काफी सक्सेसफुल भी रहा है। जैसे जो एक वीडियो आई गुजरात के अवसर 400 रुपए की कप की मिठाई जो टूरिस्ट बड़े शिकायत कर रहे हैं, इस हवाले से लिखा है ज़िलाई इंतज़ामिया जहाँ पे जो असेंशियल कमोडिटीज़ हैं जो हमारे एक्ट भी है उसके अंदर ज़िलाई इंतज़ामिया बिल्कुल उसके ऊपर एक्शन लेती भी है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें शामिल है। जहाँ तक असेंशियल कमोडिटीज़ का जो कि बेसिकली एक इंसान की सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है उनके ऊपर हम बिल्कुल एक्शन लेते हैं। उसके अलावा जो आ जाती हैं उसके बाहर की जो चीज़ें जो लग्जरीज आ जाती हैं और वो सारा कुछ वो एक सेलर और एक कस्टमर के दरमियान का एक इंटरेक्शन है जिसके अंदर एक सरकार ना ही इन्वॉल्व हो तो बेहतर है। अरे गिनानी चेरी फेस्टिवल मेरे ख्याल में बड़ा ज़बरदस्त हुंजा में इस वक्त जारी है और न सिर्फ मुकामी लोगों की बल्कि जो मुल्क के दीगर इलाकों से या हिस्सों से आए हुए हैं जो हमारे टूरिस्ट हैं वो भी यहाँ पे मौजूद है। और मेरे ख्याल में मैंने फर्स्ट टाइम इस चीज़ को नोट किया कि हुंजा में हर सू
फल फ्रूट हूँ, सब्जियां हूँ, कुंज रफ्ताब से लेके जो आखिरी गांव है हुसैनाबाद, ये 200 किलोमीटर पे मुश्तमिल है, हुंजा का रकबा है। तो इस एरिया में जितनी भी सब्जियां हैं, फल फ्रूट हैं, हर्बल्स हैं, जो इंसानी सेहत के लिए बड़ी जबरदस्त है, वो सारी चीजें एक जगह पे डिस्प्ले हो गई है। ये एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है यकीनन, और इंशाल्लाह न सिर्फ इससे हुंजा की इकोनॉमी में बेहतरी आएगी, बल्कि यहाँ के जो हर्बल्स है, जो तकरीबन 16,000 फीट की बुलंदी पे जो जड़ी बूटियां पाई जाती हैं, उनको यहाँ पे डिस्प्ले किया जाता है। उसमें शुगर है, ब्लड प्रेशर है, उसके अंदर जिस तरह आप कुछ लोग रिलैक्सिन खाते हैं, लेकिन यहाँ पे हर्बल्स हैं वो रिलैक्सिन के तौर पे वो काम करते हैं। अभी वो हम चीजें वो हम भी खरीदेंगे। तो और फिर ये खाने पीने के लोकल जो आइटम्स हैं, तो ये मुकामी इंतजामिया और सरेना होटल के इश्तराक से ये फेस्टिवल जारी है, बड़े जबरदस्त है, और जीबी आगे बढ़ रहा है, और जीबी को आगे लेकर जाने में जाहिर है हुंजा का अपना एक रोल है, और हुंजा ने हमेशा से अपना रोल प्ले किया है, हर बेहतर काम के लिए हुंजा ने अपना किरदार अदा किया है, और इंशाल्लाह मुस्तकबिल में भी हुंजा न सिर्फ जीबी बल्कि पूरे पाकिस्तान को पूरी दुनिया में एक सॉफ्ट इमेज के तौर पर पेश करने में अपना किरदार अदा करेगा।